2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के खिलाफ कोलकाता में ममता बनर्जी की महारैली विपक्षी एकजुटता का संकेत तो दे गई। ये नेता एक मंच पर एक साथ तो जरूर आ गए, मगर इनमें से कई ऐसे दल हैं जो पहले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग जाने का फैसला ले चुके हैं। अगर एक मंच पर विपक्षी दलों के नेता एक साथ नजर आ भी जाते हैं तो अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए एक साथ चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। क्या सभी दल मिलकर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर पाएंगे जिसके नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ सकें, या ये कहें कि ये एकजुटता महज दिखावा है। इसी के बीच आज प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि दलित मुस्लिम महिलाएं और गरीब मायावती जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं, लेकिन पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही है। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने आज कहा कि जहां तक पीएम पद का सवाल है, इस पर फैसला चुनाव के बाद होगा। लोकतांत्रिक तरीके का पालन किया जाएगा, हर कोई पीएम पद के लिए योग्य है।